अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। 1.4 में हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में इज इक्वल का साइन है दरमियान में और दोनों साइड पर अलग अलग वैल्यूज़ हैं, जबकि एक वैल्यू जो है वो अंडर रूट में है और दूसरी वैल्यू सिंपल है। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब बोथ साइड पे यानी कि इज इक्वल के दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर लेंगे इज इक्वल टू इसका भी स्क्वायर। अब ये हमें पता है कि जो स्क्वायर है वो हमारा स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 2x प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7x प्लस 16। अब ये हमें पता है कि हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं पहले a का स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 2, ये a और b इज इक्वल टू 7x प्लस 16। वैसे अब यहाँ पे हम स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 4x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2 टू द 4, 4 5 इज 20x इज इक्वल टू 7x प्लस 16। अब इज इक्वल के इस साइड पे क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे बड़ी है यहाँ पे छोटी है, तो छोटी वाली वैल्यू इज इक्वल के दूसरी साइड पे आएगी 25, 16 भी साथ ही आ रहा है, 16 यहाँ पे माइनस का हो जाएगा प्लस 20x माइनस 7x इज इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 13x इज इक्वल टू 0। अब ये आएगा हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 9, इसे हमने अरेंज करके लिख लिया है। इसके बाद अब 4 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारे पास अब फैक्टराइजेशन हो रही है, तो यहाँ पे हम करते हैं 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन में हमें पता है कि सबसे पहले हम जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशेंट होता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट वैल्यू के साथ, तो वो हमारे पास आ रहा है 36 आ रहा है। अब हमने इस 36 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिससे हमारे पास दरमियान वाली वैल्यू जो है वो आए। अब यहाँ पे 36 का अगर हम देखेंगे किस किस टेबल में आता है, तो 36 यहाँ पे मैं से ले लेती हूँ, 36 आ रहा है एक 1 को अगर हम 36 से मल्टीप्लाई करें, इसके बाद आ रहा है 2 को अगर हम 18 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें। अभी इतना ही कर लेते हैं। अब हमें चाहिए दरमियान वाली वैल्यू 13 आनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि अगर हम 1 को और 36 इसमें हम 1 को ऐड करें या माइनस करें, आंसर हमारे पास जो है वो 36 ही आ रहा है, हमारे पास 35 आ रहा है, 34 आ रहा है, हमारे पास 13x नहीं आ रहा, तो हम इसे नहीं लेंगे। 18 में से भी अगर 2 को माइनस करो तो हमारे पास 13 नहीं आता, ना ही प्लस करो तो आता है, और 12 जो है इसमें भी हम प्लस या माइनस करें तो नहीं आता। 9 और 4 में अब हम देखें तो जब 4 में हम 9 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 13x। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4x स्क्वायर, साइन वैसे लिखेंगे, साथ हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 9x प्लस 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब प्लस को अगर अंदर मल्टीप्लाई भी करवा दें तो साइन हमारे पास चेंज नहीं हो रहे, 9x प्लस 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इनमें से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉमन आ रहा है x, 4x प्लस 9 प्लस 1, 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये अब हमारे पास दो वैल्यूज़ बन गई हैं, 4x प्लस 9 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने देखा कि ये हमारे पास जो दो वैल्यूज़ हैं सेपरेटली हम इसे लिखेंगे 0 के साथ, 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें से अब पहले हम 9 को इज इक्वल के उस साइड पे लेके जाएंगे, माइनस 9 हो जाएगा। अब 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर हम डिवाइड करेंगे इसको, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, और इधर हम x इज इक्वल टू ये प्लस 1 जो है इज इक्वल के उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये भी x की वैल्यू आ गई। तो इस तरह हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या बना है इसका, x इज इक्वल टू -1 और -9/4।
इस तरह हमारे पास स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो इसको क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 है ये सेम हमने क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही करने हैं, बस इज इक्वल के दूसरे साइड पे जो सिंपल वैल्यूज होंगी उन्हें हमने लेके जाना है। अब आगे मैं आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन करवाया था उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 जो है ये सेम था, इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया, बाकी क्वेश्चंस उसमें से आपने खुद करने हैं, सेम वही मेथड है। इसी तरह हमारे पास आगे जो 5, 6, 7 और 8 क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम है, इसमें से मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले हमने लेना है टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड 4a+x माइनस अंडर रूट ए माइनस एक्स इसका स्क्वेयर इज इक्वल टू ए का स्क्वेयर। अब यहाँ पे ये ए स्क्वेयर जो है स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है 4a+x ए का स्क्वेयर प्लस ए माइनस एक्स बी का स्क्वेयर माइनस 2a एंड बी इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पे ये जो स्केयर है स्केयर रूट से कैंसिल हो रहे हैं, ये आएगा 4a+x प्लस ए माइनस एक्स माइनस 2 अंडर रूट, दोनों के ऊपर अंडर रूट आ रहा है तो हम इसे एक दफ़ा ही लिख लेंगे 4a+x और a माइनस एक्स इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पे 4a और प्लस ए जो है ये हमारे पास ऐड हो जाएगा 5a, ये प्लस का एक्स है ये माइनस का है तो ये कैंसिल हो जाएंगे माइनस 2 और में 4a+x ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ए। अब 5 इस साइड पे प्लस का है, इस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा 4a+x ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ए माइनस 5a, फिर ये आएगा माइनस 2 अंडर रूट 4a+x ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 4a। अब ये जो 2a साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल के अंदर जाके डिवाइड हो जाएगा 4a+x ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 4a ओवर में माइनस 2, तो माइनस 4 से माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी अंडर रूट 4a+x ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 2a। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास इस साइड पे दोबारा से स्क्वेयर रूट आ रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे पहले मैं इस क्वेश्चन को एक दफ़ा लिख लेती हूँ 4a+x ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 2a। अब यहाँ पे दोनों साइड पे जब मैंने स्क्वेयर लिया ये इसे कैंसिल हो गया 4a+x ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 4a² अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होंगे, पहले 4a को a से करते हैं 4a² माइनस 4 को x से करेंगे तो माइनस 4ax प्लस ax माइनस x² इज इक्वल टू 4a². अब ये आएगा 4a² यहाँ पे इज इक्वल के इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा 4a² माइनस 4ax माइनस 4ax और प्लस ax ये हमारे पास ऐड हो रहे हैं तो ये आएगा 3ax माइनस x² इज इक्वल टू 0। ये अब कैंसिल हो जाएंगे माइनस 3ax माइनस x² इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हमारे पास कॉमन आ रहा है x, x को कॉमन ले लेते हैं माइनस 3a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें से अगर हम माइनस को भी साथ में कॉमन लें तो हमारे पास अंदर की जो वैल्यूज़ हैं इनके साथ साइन चेंज हो जाते हैं। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं
वो आ रही है माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और 3a प्लस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू ज़ीरो और 3x इज इक्वल टू माइनस 3a। तो इस तरह हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या बन रहा है, 0 और माइनस 3a। तो स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब जो हमारे पास इसके आगे तीन क्वेश्चन बच गए हैं, 9, 10 और 11, वो तीनों भी सेम हैं, उनमें से भी मैं आपको एक पार्ट करवाऊंगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को इजी करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, ये इस वैल्यू को हम इक्वल के दूसरे साइड पे ले जाएंगे। हम इसे दूसरे साइड पे क्यों लेके गए हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने हर क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। तो अगर हम इन दोनों को लेके ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इज इक्वल के इस साइड पे इसे ले गए हैं कि क्वेश्चन हमारा शॉर्ट हो जाए और आंसर इजीली आ जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। अब ये इसे कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए और बी। इसके बाद ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस इसका भी हमारे पास स्क्वायर आ रहा था, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब ये प्लस के और ये माइनस के तो ये कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब ये वाली वैल्यूज हैं, ये दोनों इसे हम इज इक्वल के साइड पे ले आएंगे, एक्स स्क्वायर ये इधर प्लस का है इधर माइनस का हो जाएगा, प्लस एक्स ये इधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ये वैल्यूज़ कट हो जाएंगी तो ये आएगा 1 इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे जो हमारा स्क्वायर रूट है इसे ख़त्म करने के लिए क्या करना है, अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन ऊपर लिख लेती हूँ, पहले हमने इसको लेके आगे चलना है तो 1 इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब हम दोनों साइड पे इसका स्क्वायर लेते हैं, ये आएगा 1 इज इक्वल टू 2 का भी हमने स्क्वायर लेना है, ये आएगा 4, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब 4 हमारे अंदर मल्टीप्लाई होगा, 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स माइनस 4, 1 यहाँ पे प्लस के इज इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, प्लस 4 एक्स माइनस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि हर जो इक्वेशन होती है उसे सॉल्व करने के तीन मेथड होते हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगी, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसमें अब अपने क्या करना है, ए हमारे पास है 4, बी है 4 और सी है
माइनस फाइव। अब हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करते हैं, माइनस बी की वैल्यू है फोर प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस फोर ए और सी डिवाइडेड बाय टू ए। ये आएगा x इज इक्वल टू माइनस फोर प्लस माइनस सिक्सटीन प्लस एटी डिवाइडेड बाय एट। x इज इक्वल टू माइनस फोर प्लस माइनस 96 डिवाइडेड बाय 8। अब 96 का हम यहाँ पे अगर एलसीएम लें तो वो हमारे पास क्या आता है, 96 4 28 4 6 और 6 1 जा, तो ये हमारे पास आ रहा है x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर डॉट 6 8। अब ये 4 का स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 8। ये बचेगा हमारे पास इसके बाद क्या करना है, इस वैल्यू में से माइनस 4 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 8, इसमें से हम 4 को कॉमन ले लेंगे। 4 जब कॉमन आएगा माइनस 1 प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाय 8, ये हमारे से कैंसिल हो जाएगा 2, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह हमारे पास ये जो है x की वैल्यू दो वैल्यूज निकल आएंगी, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो आज की एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।